Let's cut across to Arvind Kejriwal, who's speaking after that crucial meet with his AAP leaders. आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी इसको ऑफ करो आम आदमी पार्टी ने अरे पालक कांग्रेस और अरे कार्यकर्ता देखो हमारे कैसे हैं अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की जगह और दिनेश बोला सबको कैसे करते हैं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस वाले कह रहे थे मीडिया में चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस वाले कह रहे थे मीडिया में कि हम बिना शर्त आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देना चाहते हैं बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम लोग दिल्ली की जनता के हित के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बने उन्हें हम मुद्दों पे समर्थन देना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमें लगा ये तो अच्छा अवसर है अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दों पे मिलके अगर सरकार बनाती है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी दिल्ली की जनता के लगभग 18 सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनसे उन मुद्दों पर उनकी राय मांगी कि इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है आश्चर्य की बात है कि बीजेपी वालों ने उस चिट्ठी का जवाब देना तक ठीक नहीं समझा उन्होंने मीडिया में जो सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि हम इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे मुझे लगता है जनतंत्र में कम से कम चिट्ठियों का जवाब तो देना ही चाहिए अगर किसी की चिट्ठी आई है तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं हम लोग बहुत छोटे लोग हैं बहुत आम लोग हैं बहुत मामूली लोग हैं अगर राजनाथ सिंह जी को लगता था कि हमारी चिट्ठी का जवाब देना उनके स्टेचर से कम की बात है तो वो अपने दफ्तर में किसी को बोल देते वो जवाब दे देता जैसे सोनिया गांधी जी ने खुद जवाब नहीं दिया शकील अहमद जी को कहा जवाब देने के लिए कांग्रेस का जवाब आया है कांग्रेस ने कहा है कि 16 मुद्दे प्रशासनिक हैं कांग्रेस ने भी मुद्दों के बारे में नहीं कहा कि वो इनका समर्थन करते हैं कि नहीं करते लेकिन मोटे मोटे तौर पे उन्होंने कहा है कि 16 मुद्दे ऐसे हैं